हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, एन आदाब। मैं हूं आपका दोस्त राजेश, और आज के हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक फोटोग्राफर हैं, यदि आप एक सिनेमेटोग्राफर हैं, या आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे आप इनमें से कुछ भी हो, तो आपको जरूरत पड़ती है एक अच्छे लाइट की, और वो भी बजट में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया स्पेशल डिजिटेक की पोर्टेबल हैंड हेल्ड RGB LED लाइट वॉन्ड, या जिसको हम स्पेशली बोलते हैं लाइट स्टिक भी। दोस्तों, बहुत सारी कंपनियों के लाइट स्टिक आते हैं, लेकिन ये जो लाइट स्टिक है डिजिटेक की, इसकी खासियत क्या है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसके सारे इफेक्ट्स में आज आपको बताऊंगा एंड सारा कुछ बताऊंगा, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, हर एक लाइट की तरह, हर एक लाइट स्टिक की तरह, ये लाइट स्टिक भी आता है एक बहुत ही अच्छे से बॉक्स में। आप इसको जहां से भी चाहे मंगा सकते हैं, चाहे आप इसे किसी स्टोर से लें, या अगर आप चाहें तो इसे अमेजोन से या फिर डिजिटेक के वेबसाइट से भी मंगा सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप सारा डिटेल एंड रेट चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस लाइट की बात करूं तो ये लाइट 25 वॉट की लाइट है, जो कि काफी अच्छा पावर है, और इसमें सारे इफेक्ट्स भी हैं। अब जहां तक बात आती है इफेक्ट्स की, तो हम आपको इसके सारे इफेक्ट्स भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, जब मैं इसका बॉक्स ओपन करता हूं, तो सबसे पहले मुझे मिलता है रिमोट। ये एक अच्छी बात है, अगर आपके लाइट के साथ रिमोट है, तो आप उसको रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे आपको लाइट के ऑपरेटिंग में काफी हेल्प मिल जाएगी। तो इसके साथ दोस्तों आता है एक रिमोट। इसके अलावा इसमें आता है एक पावर एडाप्टर भी, यानी आप लाइट को बैटरी के अलावा पावर एडाप्टर से भी चला सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आइए इसको और एक बार ओपन करते हैं। एंड दोस्तों, ये आता है एक बहुत ही शानदार पैकिंग में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइट है, और लाइट को आप कुछ इस तरीके से हैंडहेल्ड ले सकते। अगर दोस्तों इस लाइट के ग्रिप की बात करें, तो किसी भी दूसरे लाइट के ग्रिप से इसकी जो ग्रिप है बहुत अच्छी है और बहुत स्मूथ है, यानी कि इसकी ग्रिप प्रॉपर है। कई बार लाइट की ग्रिप प्रॉपर नहीं होती, जिसको भी आप लाइट पकड़ा रहे हैं, चाहे वो आपका असिस्टेंट हो, चाहे कोई नया बंदा, उसको काफी दिक्कत जाती है। तो इसकी जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी है। आइए देखते हैं इसके और डिटेल्स। अब दोस्तों, ये हो गई ग्रिप की बात। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि लाइट के साथ आपको एडिशनल बैटरी का ऑप्शन आता है, यानी कि लाइट को आप एडिशनल बैटरी के साथ यूज कर सकते हैं। इनबिल्ट बैटरी इसमें नहीं है, यानी कि यदि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तब जब भी आप चाहें इसकी बैटरी चेंज करके आप अपना शूट कंटिन्यू रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों, इस लाइट में आते हैं इस तरीके से दो बांडोर्स। ये जो बांडोर्स हैं, ये बहुत ही प्रीमियम है और बहुत ही अच्छे हैं। इनकी थिकनेस भी काफी अच्छी है, और इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों, इससे जो वाइडनेस है, ये भी काफी अच्छा है। यानी लाइट जब आप ऑन करते हैं, तो लाइट काफी अच्छे से फैलती है। यदि आप चाहते हैं लाइट को कॉन्सेंट्रेट देना, आप किसी पर्टिकुलर स्पेस पे लाइट को देना, तो यहाँ पे आप इस बॉन्डर को इस तरीके से क्लोज करके लाइट के अलग अलग पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप अगर दूसरी लाइट स्टिक आपने देखी होगी, तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी। तो इसमें भी ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आती है, यानी आप काफी सारे लाइट इफेक्ट इससे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक और चीज होती है, जब भी आप कोई भी लाइट लें, कोई भी स्टिक लाइट लें, तो आप देखें कि उसका जो डिफ्यूजर है वो किस तरीके का है। तो अगर मैं इसके डिफ्यूजर की बात करूं, तो इसका डिफ्यूजर बहुत ही बहुत स्मूथ है, यानी कि बहुत ही मैटी लाइट इसमें से हमको निकलती है। मैं आपको यहां से इसको ऑन करके दिखाता हूं। जैसे मैं इसको ऑन करता हूं, तो देख सकते हैं लाइट जो है बहुत मैट लुक वाली लाइट देती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक लाइट क्रिएटर हैं, तो लाइट जो है बहुत ग्लॉसी नहीं निकलनी चाहिए, बहुत ही मैट निकलनी चाहिए, जिससे जो इफेक्ट्स है बहुत स्मूथ दिखाई दे। लाइट में दोस्तों आपको और क्या चीज मिलता है, तो लाइट में आपको यहां पे कंट्रोलर्स मिलते हैं, जिससे आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप किस तरीके से लाइट को कंट्रोल करेंगे, ये मैं आपको यहां से दिखाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है इसका ऑन ऑफ का बटन। तो ऑन ऑफ के बटन से आप क्या करेंगे, जैसे इसको मैं दबा के रखूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, और इस बटन को अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखता हूं, तो ये ऑन हो जाता है। इसके अलावा लाइट को आप 0 ब्राइटनेस से लेके 100% ब्राइटनेस तक सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहां पे एक बटन दिया हुआ है, जिससे अगर मैं दबा के रखता हूं, तो लाइट मेरी 0 पे चली जाती है। देखिए लाइट धीरे धीरे कम हो रही है, इस तरीके से लाइट मेरी कम होती है, यानी आप इसको 0 से लेके 100 तक ब्राइटनेस को जो है सेटअप कर सकते हैं। ये इसकी काफी अच्छी बात है। एंड दोस्तों, अब मैं बात करता हूं इसके कलर टेम्परेचर की, यानी कि इसके केल्विन की। तो दोस्तों, इस लाइट में आप इसकी जो केल्विन है वो 27K से लेके 75 केल्विन तक चेंज कर सकते हैं, यानी कि कूल लाइट से लेके आप वार्म लाइट तक सारा कुछ इफेक्ट इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं। और एक बात, इसमें दोस्तों बहुत सारे इफेक्ट दिए हुए हैं, बहुत सारे, यानी कि 39 टाइप के इफेक्ट दिए हुए हैं 13 अलग अलग मोड्स के साथ। दोस्तों, ये अलग अलग मोड्स में आपको दिखाता हूं। दोस्तों, अगर मैं इनके 39 अलग अलग इफेक्ट्स की बात करूं, तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये है पहला इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं RGB सर्कल। इसमें लाइट कंटिन्यू RGB में चेंज होती रहती है, रेड, ग्रीन, ब्लू में चेंज होता रहता है। आप इसका इफेक्ट अपने फोटो में या वीडियो में बहुत अच्छे से इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके बाद इसका जो सेकंड इफेक्ट है वो है इसका फ्लैश सिस्टम, यानी अगर आप
आपको देना है आपके वीडियो में, सिनेमैटिक वीडियो में फ्लैश जैसा इफेक्ट, तो आप इस वाले मोड का यूज कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग तीन डिफरेंट मोड्स दिए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अब अगर मैं बात करूं इसके अदर मोड की, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये है इसका लाइटिंग मोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका लाइटिंग मोड है, जिसमें ये अलग अलग मोड पे चेंज होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे है फ्लैश, यानी कि बिजली जब कड़कती है, तो बिजली कड़कती है तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बिजली इस तरीके से कड़कती है। यदि आप सिनेमैटिक शूट कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कोई इफेक्ट देना है जिसमें बिजली कड़कने का कोई सीन हो, इस लाइट से काफी इजी उस सीन को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आता है अब ये बल्ब मोड, यानी कि बोके बल्ब। बोके बल्ब कुछ इस तरीके से जलता है, थोड़ा सा फैट जैसा जलता है, तो ये बोके बल्ब मोड। इसके अलावा दोस्तों आपको टीवी का इफेक्ट अगर दिखाना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मेरे फेस में, सपोज मैं इसको इस तरीके से रखता हूँ, और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब टीवी कम ज्यादा होता है तो डेफिनेटली आपको इस तरीके का लुक आता है, टीवी की ब्राइटनेस कम ज्यादा होती रहती है, तो ये वाला इफेक्ट आप दे सकते हैं सिंपली इस लाइट से। यदि आप अपना कोई सिनेमैटिक शूट कर रहे हैं, कोई भी शॉर्ट मूवी शूट कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार का प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, और अगर आपको इस तरीके का इफेक्ट देना है तो डेफिनेटली आप इसे दे सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे आता है कैंडल लाइट मोड। यदि आप कोई कैंडल लाइट डिनर प्लान कर रहे हैं और आपको कैंडल लाइट मोड ऑन करना है, तो यहाँ पे आप देखें इसमें बहुत ही प्यारा सा लुक आता है कैंडल लाइट का। यानी अगर आप किसी दो रोमांटिक लोगों को एक साथ कैंडल लाइट डिनर करवा रहे हैं और उसको आपको फिल्म करना है, इस तरीके से आप फिल्म करेंगे जिसमें कैंडल लाइट लाइटिंग अगर आप देते हैं, तो डेफिनेटली आपका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा है दोस्तों यहाँ पे बोन फायर या कैंप फायर टाइप की लाइटिंग करते हैं, आप बाहर जाते हैं उसको अगर आपको शूट करना है, तो उस तरीके का इफेक्ट भी आप यहाँ से दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आग जलती है तो उसका इफेक्ट कुछ इस तरीके से ही आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फ्लेम, आग का फ्लेम आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका आग का फ्लेम नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आग के फ्लेम का जो इफेक्ट है वो आपको मेरे फेस पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये सारी चीजें आप शूट कर सकते हैं इससे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे है फायरवर्क्स। फायरवर्क्स कुछ इस तरीके से इफेक्ट क्रिएट करता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फायरवर्क्स का इफेक्ट है, जब ऊपर फटाके फूटते हैं तो इस तरीके का जो फ्लैश है वो हमारे फेस पे आता है। अगर आप फायरवर्क्स इफेक्ट चाहते हैं तो उसके यहाँ पे तीन अलग अलग और भी मोड है, यानी कि 39 टोटल मोड्स है यहाँ पे दोस्तों। इसके बाद आता है कोई लाल बत्ती, यानी कि रेड गाड़ी जो होती है जब जाती है किसी मिनिस्टर की गाड़ी, तो उसका जो इफेक्ट आता है वो कुछ इस तरीके का रहता है, उसमें इस तरीके की लाइट्स जलती है। तो अगर आप कोई सीन क्रिएट करें जिसमें आपको इस तरीके का इफेक्ट देना है, तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अब है दोस्तों ये है फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब आती है, तो उसका जो लाइट का चैप्टर है, यानी कि उसके लाइट की जो थीम है, वो कुछ इस तरीके से जलती है। तो अगर आपके शूट में कुछ इस तरीके का वर्क है, तो भी आप इस लाइट से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब है यहाँ पे एम्बुलेंस का, अगर आपका कोई सीन है, आप कुछ एम्बुलेंस के सीन का कुछ क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आपको लाइटिंग इफेक्ट दिखाना है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे एम्बुलेंस वाला इफेक्ट भी दिखा सकते हैं। एंड दोस्तों इसके बाद दिस इज माय फेवरेट इफेक्ट। आप देख सकते हैं दोस्तों जैसा भी मैं यहाँ पे रिएक्ट कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, वो लाइट मेरी उसी तरीके से रिएक्ट कर रही है। इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू म्यूजिक इफेक्ट। जैसा हम बोलेंगे, जैसा म्यूजिक आपका प्ले होगा, यदि मैं कुछ भी आपको बोलता हूँ, यदि मैं यहाँ पे साइलेंट हो जाता हूँ तो लाइट साइलेंट हो जाती है। ये मेरा फेवरेट इफेक्ट है। अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं या वेडिंग सिनेमेटोग्राफर हैं, तो लिपटॉप में ये बहुत ज्यादा यूजेबल है। हम लिपटॉप शूट करने के लिए इसका बहुत अच्छे से यूज करते हैं। उसके बाद है दोस्तों SOS, यानी कि यदि आपको किसी को सिग्नल देना है, तो ये लाइट आपके सिग्नल देने के भी काम आ सकती है दोस्तों। ये बहुत कमाल की लाइट है। तो इस तरीके से दोस्तों ये है टोटल 13 इफेक्ट, और 13 के अलावा कि हर एक इफेक्ट के तीन अलग अलग मोड है, तो टोटल ये हो जाता है 39 इफेक्ट, यानी कि 39 टाइप के आप इसमें से इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसमें से कूल लाइट एंड वार्म लाइट तो दे ही सकते हैं दोस्तों। ये था सारा का सारा डिटेल। आई होप आपको ये लाइट पसंद आई होगी। ये लाइट की प्राइस अगर मैं बोलूं दोस्तों, तो कुछ 7-7.5 हज़ार रुपए की ये लाइट है, और बहुत कमाल की लाइट है। अब दोस्तों इसकी एक बात में जाते जाते और बताऊंगा, मार्केट में बहुत सारी लाइट्स आती हैं जो कि काफी महंगी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एग्जैक्ट यही लाइट लें, आपको एग्जैक्ट जो अच्छा लगता है आपको वो लेना है, लेकिन सोचें जिस लाइट की प्राइस में, मतलब जितने प्राइस में आपको एक लाइट मिलेगी, उतने में आपको ये दो मिल सकती है। यानी कि आप इसका यूज एक फ्रंट से, एक बैक से, या दो लाइट फ्रंट से ताकि आपको शेडोज वगैरह ना आए, एक लाइट से आप फेस लाइट, एक लाइट से आप क्रिएटिव लाइट, यानी कि लाइट इफेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो मार्केट में इससे सस्ती और इससे अच्छी लाइट मुझे फिलहाल अभी दिखाई नहीं दी है। आपको ये लाइट कैसी लगी, और आपको इस लाइट का सबसे फेवरेट इफेक्ट कौन सा लगा? अगर मैं अपने इफेक्ट की बात करूं, तो म्यूजिक के अकॉर्डिंग जो लाइट जल रही थी वो मेरा फेवरेट इफेक्ट लगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस लाइट के अंदर कौन सी चीज अच्छी लगी। एंड दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। राजा अवस्थी साइनिंग ऑफ।